देखिए ये पठान फार्म है और आज हम हंस के बारे में नहीं लेकिन बतख के बारे में, मस्कोई डक जो फॉरेन ब्रीड है उसके बारे में बात करने वाले हैं और दोस्तों साथ में गिनी फाउल के बारे में भी बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमें मोइन पठान जी हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुहाना सफ़र और जानते हैं कुछ इन परिंदों के बारे में जो आप अपने घर में भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये मस्कोई के बेबीज है, अराउंड ये दो से तीन महीने के बेबीज है। जो मस्कोई जो ब्रीड है ये एक्चुअल के अंदर आउट ऑफ इंडिया की ब्रीड है लेकिन इसको इंडिया के अंदर ये अभी अवेलेबल है। अपने पास जो मस्कोई के अंदर क्वालिटी है, जैसे आप बरोड़ा जू विजिट करोगे तो बरोड़ा जू के अंदर भी वाइट कलर नहीं है। अच्छा, मस्कोई बरोड़ा जू में भी बहुत सारी है, अराउंड 50 या 40 होगी, लेकिन अपने यहाँ की स्पेशलिटी है कि अपने पास वाइट, फुल वाइट मस्कोई अवेलेबल है जिसके हेड पे क्राउन होता है। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि क्राउन वाली मस्कोई किसको कहते हैं। अब दोस्तों ये हम देख रहे हैं ये मस्कोई है, इसको मस्कोई डक बोलते हैं। और चलिए आपको गिनी फाउल भी दिखा देते हैं। हम इन बिटवीन पठान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने अपने फार्म पे हमको ये वीडियो बनाने दिया और आप सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने दी। तो चलिए दोस्तों आज के एपिसोड में हम जानते हैं कि गिनी फाउल को किस तरह से पाला जाए, क्या उनके लिए एहतियात बरती जाए। तो हम पठान साहब के पास जाते हैं और उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो पठान जी थोड़ा हमको इसके बारे में बताइए कि मतलब गिनी फाउल पालना है तो ये किस तरह से पाली जाए, कितनी जगह होनी चाहिए, क्या खाना खाती है उसके वगैरह। एक्चुअल में गिनी फाउल में टू टाइप्स के गिनी फाउल आते हैं, एक वाइल्ड आते हैं और एक जो दूसरे आते हैं वो फार्म से आते हैं। जो वाइल्ड आते हैं उसको आप ओपनली नहीं रख सकते हो, उसको आपको रखने के लिए केजी चाहिए होगा। और जो जनरल आते जो फार्म के पले हुए उसको आप ऐसे खुले छोड़ सकते हो। और इनकी डाइट जनरल है, जो रेगुलर डाइट है बाजरी है, गेहूं है, मकाई है। तो ये खाने में क्या खाती है जरा इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। खाने में तो बाजरी है, गेहूं है, मकाई है, रोटी है, चावल है, जो आप खिलाना चाहो आप खिला सकते हो इसको। फ्रूट्स भी आप दे सकते हो अगर देना चाहो तो, और वेजिटेबल्स भी दे सकते हो जैसे पालक है, दूसरी सारी चीज़ है, ये सारी चीज़ खा लेगी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि गिनी फाउल ये जो है वो वाइल्ड नहीं है, तो पठान साहब ने बहुत ही बढ़िया, मोइन खान पठान साहब ने बहुत बढ़िया फार्म बनाया है। यहाँ इनके पास किंग गाज भी हैं और इनके पास यहाँ पे गिनी फाउल भी हैं जैसे हमने देखी, और वहाँ पे कोने में उनके पास असील भी हैं। असील की काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रीड्स हैं। तो अब मैं एक आगे के एपिसोड बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि असील किस तरह से हैं। और ये बहुत ही मीठा सा साउंड निकाल रही हैं गिनी फाउल, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप गिनी फाउल भी पालना चाहते हैं, आपके पास इनफ स्पेस है तो आप पाल सकते हैं। जैसे कि पठान साहब ने बताया कि अगर ये वाइल्ड गिनी फाउल नहीं है आपकी तो आप इनको खुले में रख सकते हैं, वरना वो पिंजरे में ही रखनी पड़ेगी क्योंकि वो आराम से उड़ती भी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जल्द ही एक चैनल लॉन्च होने वाला है जो पेट से रिलेटेड होगा, तो उस पर हम फिर आपको ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो देते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।